नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा का डेलीगेशन पहुंचा अल्पसंख्यक आयोग, अध्यक्ष अशफाक सैफी से की मुलाकात। अध्यक्ष ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री को देने के लिए दिया गया आश्वासन। तीन मांगों में पहली मांग मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, दूसरी मांग जिनको आवास नहीं मिल पाया है उनको आवास उपलब्ध कराया जाए, इसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए व्यवस्था की जाए। लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो सत्तार खान की रिपोर्ट। अभी उनसे मेरी बात हुई है, चेयरमैन साहब से, माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, इनसे मैंने तीन ही मुद्दे लिए। एक मुद्दा, पहला मुद्दा मेरा ये था कि मैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैंने मांग की कि इसको खत्म की जाए, और दूसरा मुद्दा था शिक्षा के ऊपर कि बच्चों का एजुकेशन दिया जाए, चाहे वो किसी भी समाज के हों। सारे समाज के लिए हमने ये मुद्दा लिया है, सिर्फ ऑल इंडिया शिया, सिर्फ शिया को लेकर नहीं चल रही है, सारे समाज को लेकर चल रही है। और तीसरा मुद्दा हमारे पास मकान के लिए था, जो बेमकान है, जिसके पास घर नहीं रहने के लिए, और जो गरीब हैं जिनके पास वो रेंट नहीं देने के लिए, कि उनको हम जो है वक्त की ज़मीनों पे घर लेके बना कर दें और वो एक अच्छी और सुकून की ज़िंदगी गुजारें, चाहे वो शिया समाज हो। और हम दूसरे समाज के लिए भी हम ये इसी तरीके से मुद्दे को रखे हैं। तो क्या उन्होंने जवाब दिया? इन्होंने जवाब ये दिया कि हम अभी जस्ट जो है अभी हम सीएम से ये सीएम के पास लेटर भेजेंगे और सीएम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ये तत्कालीन जो है हमारे पास ही इसका जवाब आएगा। तो कितने दिन में मांगी चला जाए कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? जैसे शिक्षा पे आपने बात की, शिक्षा पे तो पहले से मोदी जी काम कर रहे हैं, अब आपने मकान की बात की, उस पे भी मोदी जी काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये मोदी जी हमारे जो काम कर रहे हैं शिक्षा पे और मकान पे, मैं समझ रहा हूँ, और बेरोजगारी पे भी काम कर रहे, बेरोजगारी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और सिर्फ हम जो है काम अगर कर रहे हैं तो हम मकान के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मकान देने के लिए वादा किया है, और उसके लिए आगे और भी हम आपको बताएंगे, अभी तो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। और रह गया शिक्षा के लिए, सबसे पहले हम इसको पॉइंट आगे ला रहे हैं कि हम ऑल वर्ल्ड से, कि हमारा जो कनेक्शन है वर्ल्ड से है, और इसको हम विश्व पे हम बात करेंगे, और बाहर के लोग, बाहर की कंट्रियाँ हमारे साथ हैं, इसको सपोर्ट कर रही है हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने के लिए, हमारे देश को सुपर पावर बनाने के लिए, और हमारे साथ पर्सनल ईरान और इराक खुद चाहता है कि शिया समाज एक सुपर पावर हिंदुस्तान के अंदर बने। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।